हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसएससी मसाला। इस वीडियो में हम सीजीएल 2022 में पूछे गए एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। सीजीएल 2022 का एग्जाम दिसंबर 2022 में 40 शिफ्ट्स में कंडक्ट हुआ था और इसमें एंशिएंट हिस्ट्री के 28 क्वेश्चंस पूछे गए थे। और मैं आपको पहले ही एक वीडियो में बता चुका हूं कि 28 में से 23 क्वेश्चन जो हैं ये एनसीईआरटी से पूछे गए हैं, वो भी सिर्फ एक ही एनसीईआरटी की बुक से। कौन सी एनसीईआरटी? क्लास सिक्स की। ठीक है, क्लास सिक्स की जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी बुक है, 23 क्वेश्चन उसी में से पूछे गए हैं। अगर आपको ज्यादा डिटेल में देखना हो कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, मतलब मैंने उस वीडियो में प्रूफ भी दिया हुआ है, यहां मैं ज्यादा डिटेल में कुछ नहीं बताऊंगा। अगर प्रूफ देखना है कि कैसे क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, किस तरीके से पूछे गए थे, तो वो वाला वीडियो देख लेना। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक वाइज वेटेज देखते हैं। प्री हिस्टोरिक पीरियड के 7 क्वेश्चन, हरप्पन सिविलाइजेशन से 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन वैदिक कल्चर के, 1 क्वेश्चन मौर्य डायनेस्टी का, 3 क्वेश्चन गुप्ता डायनेस्टी का, बाकी डायनेस्टी के 5 क्वेश्चन, फॉरेन ट्रेवलर्स के 2 क्वेश्चन, महाजनपद से 1 क्वेश्चन और बाकी मिसलिनियस के 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्री हिस्टोरिक के क्वेश्चन देखेंगे। द ड्यूरेशन ऑफ द मीजोलिथिक पीरियड इज फ्रॉम अबाउट डैश ईयर्स अगो टू अबाउट डैश ईयर्स अगो। तो मीजोलिथिक पीरियड यानी जो मध्य पाषाण काल है, उसकी टाइमिंग क्या थी? तो बाकी बुक्स में जनरली हमें बीसी या एडी में ईयर्स लिखे हुए मिलते हैं, लेकिन जो क्लास सिक्स की एनसीईआरटी है उसमें ऐसे लिखा हुआ था कि इतने साल पहले। ठीक है, तो क्वेश्चन वहीं से उठाया हुआ है, तो उसी के हिसाब से आंसर भी है। 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक मीजोलिथिक पीरियड है। ठीक है, मध्य पाषाण काल। तो जो क्लास सिक्स की एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक है, उसी के हिसाब से ये डेटा मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि जो पैलियोलिथिक एज है, पूरा पाषाण काल 2 मिलियन साल पहले से 12,000 साल पहले तक था। मीजोलिथिक पीरियड यानी मध्य पाषाण काल था, वो 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक था, जो कि क्वेश्चन में पूछा था। और जो नियोलिथिक एज है, वो 10,000 साल पहले से शुरू हुआ था। कब खत्म हुआ था उस बुक में नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो ये मैंने एनसीईआरटी से लिखा है। बाकी आप इन एजेस का अगर आप और बुक्स में देखेंगे तो आपको बीसी में लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, इन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग पीरियड कैटल हुयुक वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस साइट। ये जो कैटल हुयुक है, ये कौन से एज का, कौन से काल का बहुत ही फेमस साइट था, मतलब सबसे फेमस साइट्स में से एक था। तो इसका आंसर हो जाएगा नियोलिथिक नव पाषाण काल। ठीक है, ये भी वही क्लास सिक्स के एनसीईआरटी से उठाया है। अगला क्वेश्चन देखो। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड ऑस्ट्रिचेस वर फाउंड इन इंडिया। तो इसका आंसर है पैलियोलिथिक, यानी जो सबसे पुराना काल था पैलियोलिथिक पीरियड, उसमें ऑस्ट्रिचेस पाए जाते थे इंडिया में। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन क्लास सिक्स की एनसीईआरटी से उठाया है, लेकिन ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है। ठीक है, इसी टाइप का सेम क्वेश्चन एमटीएस 2018 में, ठीक है, पूछा गया था। एमटीएस 2018 का एग्जाम 2019 में हुआ था, तो उसमें पूछा गया था ये। अब अगला क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ इंडिया वॉज ए कोस्टल सेटलमेंट वेयर शिप्स अनलोडेड गुड्स फ्रॉम डिस्टेंट लैंड्स बिटवीन 2200 एंड 1900 ईयर्स अगो। तो इसका आंसर है अरिका मेडू। ठीक है, अब देखो अरिका मेडू पिछले सीजल में, सीजल 2021 में एक क्वेश्चन पूछा था, उसमें लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज थी। उसमें पूछा था कि रोमन के बारे में, कि रोमन्स के शिप्स कहाँ पे मतलब आके अनलोड होते थे, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो वहां पे भी आंसर अरिका मेडू था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन इज लोकेटेड नियर बोलन पास। सबसे पहली बात तो ये कि हरप्पन सिविलाइजेशन का नहीं है। ठीक है, ये जो मेहरगढ़ है, ये एक नियोलिथिक साइट है। ठीक है, नियोलिथिक साइट, तो नियोलिथिक मतलब नवपाषाण काल का एक साइट है। तो इन्होंने हरप्पा सिविलाइजेशन क्यों लिखा? अब या तो टीसीएस पैसे बचाने के लिए, जैसा मैंने पहले ही बताया, टीसीएस या तो पैसे बचाने के लिए लल्लू पंजू लोगों से क्वेश्चन बनवा रही है सस्ते में, या तो फिर अगर सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी है तो हो सकता है उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा डाल दिया हो कि कम टाइम में ढेर सारे क्वेश्चन बना के दो, तो जल्दबाजी में उसने उल्टे सीधे किए हैं। आगे भी देखेंगे आप, और से भी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है मेहरगढ़। ठीक है, ये भी क्लास सिक्स की एनसीईआरटी से उठाया हुआ है। अब देखो ये जो साइट्स हैं, मेहरगढ़ कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। कोलडीहवा और महागरा ये उत्तर प्रदेश में है।
गुफकराल और बुरजाहोम ये कश्मीर में है, जो चिरांद है ये बिहार में है, और हल्लूर और पयमपल्ली ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, ये हिंदी में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हाउस रिमेन्स वर फाउंड इन मेहरगढ़ साइट ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। तो अगेन ये हरप्पन सिविलाइजेशन नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, मतलब ये हड़प्पा सभ्यता नहीं होगा यहाँ पे, वही होगा एक न्यूलिथिक साइट या आर्कियोलॉजिकल साइट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा स्क्वायर और रेक्टेंगुलर। ये भी क्लास सिक्स के एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो। इन विच अमंग द फॉलोइंग साइट्स ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन जेडेड स्टोन वॉज फाउंड। अगेन ये हरप्पन सिविलाइजेशन नहीं होगा, भांग खा के क्वेश्चन बनाए हैं क्या। देखो ये जो जेडेड स्टोन है ये कहाँ पे पाया गया था, ये पाया गया था दोजली हेडिंग में। ठीक है, तो ये हरप्पन सिविलाइजेशन का बिल्कुल नहीं है। ये जो दोजली हेडिंग है ये कहाँ पर है, ये आसाम में है। ठीक है, आसाम में है। अब बताओ जो हरप्पा सिविलाइजेशन है, हरप्पन सिविलाइजेशन है उसका सबसे ईस्टर्न मोस्ट साइट जो है, सबसे पूर्वी स्थित जो साइट है वो यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, आलमगीरपुर में। ठीक है, तो आसाम में कहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो हरप्पन सिविलाइजेशन नहीं है, इसको आर्कियोलॉजिकल साइट कह सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे होना चाहिए इन विच अमंग द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल साइट यहाँ पे ये होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हरप्पन सिविलाइजेशन के चार क्वेश्चन देखेंगे। द हरप्पन ब्रॉट गोल्ड फ्रॉम प्रेजेंट डे डैश इन इंडिया। तो इसका आंसर होगा कर्नाटका। ठीक है, ये भी क्लासेस की एनसीईआरटी से उठाया हुआ, इसका मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया यहाँ पे। बाकी क्वेश्चंस का जो मैंने वीडियो बनाया था कि क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं वहां पे प्रूफ दिया मैंने, तो मैंने सबका स्क्रीनशॉट वहां पे लगाया, वो वाला वीडियो देखेंगे तो सबका स्क्रीनशॉट मिलेगा, वो क्वेश्चन कहाँ से बनाया हुआ है मैंने उसमें बताया भी है उस वीडियो में। तो देखो जो टिन है वो कहाँ से लिया गया है, अफगानिस्तान और ईरान से। गोल्ड कहाँ से लाया गया होगा, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट ने ये सजेस्ट किया होगा कि शायद यहाँ से लाया गया होगा गोल्ड, कर्नाटक से लाया गया होगा, तो यहाँ से क्वेश्चन बना दिया इन्होंने। ठीक है, उसके बाद जो प्रीसियस स्टोन्स हैं यानी कि बेशकीमती जो पत्थर हैं वो गुजरात, ईरान या अफगानिस्तान से लाए गए होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following metals was used to make weapons and tools in Harappan? अब देखो सिल्वर और गोल्ड से कोई हथियार थोड़ी ना बनाता है, और आप लोगों को एक बात पता होना चाहिए कि जो आयरन है वो हरप्पन लोगों को पता ही नहीं था, मतलब लोहे के बारे में लोगों को नहीं पता था उस टाइम पे, डिस्कवर नहीं हुआ था, लोहा भी नहीं होगा, बचा सिर्फ एक ऑप्शन कॉपर। ठीक है, कॉपर यानी तांबा, ये आंसर हो जाएगा। अब देखो ये भी एनसीईआरटी से ही उठाया था वैसे, बाकी पता तो आपको वैसे भी होगा कि देखो वहां पे कॉपर और ब्रॉन्ज, कॉपर और ब्रॉन्ज से क्या बनते थे, टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स और वेसल्स बनते थे, और गोल्ड एंड सिल्वर से ऑफ कोर्स ऑर्नामेंट्स और वेसल्स ही केवल बनेंगे। ठीक है, अच्छा देखो ब्रॉन्ज जो होता है वो मेटल नहीं होता, ये क्या है, ये एक एलॉय है। कैसे बनता है ये, टिन प्लस कॉपर। ठीक है, टिन में कॉपर मिला के बनता है ब्रॉन्ज, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन बनता है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द आर्कियोलॉजिस्ट इन हरप्पन सिटीज द पार्ट टू द वेस्ट वॉज स्मॉलर एंड हायर वॉज नोन एज डैश। ठीक है, वे भी जो लैंग्वेज है क्वेश्चन की सेम डिटो क्लास सिक्स के एनसीईआरटी से उठाया हुआ है, इसका आंसर होगा सिटाडेल यानी दुर्ग या नगर दुर्ग भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हरप्पन सिटीज हैव नॉट बीन फाउंड। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, उत्तराखंड में कोई भी हरप्पन साइट नहीं मिला है हमें। अब वेदी कल्चर के दो क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज सपोज टू कंपाइल बोथ द पुराणास एंड द महाभारत। तो देखो मान लो आपको पुराणास का नहीं पता लेकिन महाभारत को तो आपको पता होगा। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि महाभारत को दो दो लोग कंपाइल करेंगे, किसी एक ने किया होगा ना, तो महाभारत का अगर आपको पता है तो पुराणास का भी आंसर वही होगा। और ये चीज मैंने करवाया भी हुआ है सीजन 2020 में, शायद कराया था सीजन 2020 के जब क्वेश्चन कराए थे उसमें एडिशनल फैक्ट में मैंने बताया था। तो महाभारत का किसने किया है, महर्षि व्यास ने किया है ना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सेज व्यास। ठीक है, ऋषि व्यास। और बाकी ये याद रखना कि जो सेज वाल्मीकि हैं इन्होंने रामायण लिखी थी। ठीक है, अच्छा बाकी ऑप्शन के बारे में बता देता हूँ, ये जो सेज वशिष्ठ है, ठीक है, ऋषि वशिष्ठ हैं ये
रामायण में श्री राम और लक्ष्मण के गुरु थे, ठीक है। और ये जो भारद्वाज लिखा हुआ है, ऋषि भारद्वाज, ये महाभारत में जो गुरु द्रोणाचार्य जो कि पांडवों और कौरवों के गुरु थे, ये उनके भी पिता हैं, यानी कि द्रोणाचार्य के पिता हैं ये, ठीक है, भारद्वाज, ऋषि भारद्वाज। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द बृहत संहिता, व्हाट डू यू कॉल द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सेंट्स, माउथ परफ्यूम्स एंड बाथ पाउडर्स। देखो, हो सकता है आपको ये कोई आंसर ना पता हो इसका, लेकिन देखो, सेंट जो है, माउथ परफ्यूम है, बाथ पाउडर है, ये सब स्मेल वाली चीजें हैं ना। आपको दूसरे ऑप्शन में एक गंध वर्ड दिख रहा है, गंध का मतलब इसको स्मेल ही तो बोलते हैं, ये स्मेल वाली चीजें हैं, तो ये भी यही आंसर हो जाएगा इसका, गंध यूक्लिड, ठीक है। और एक चीज ये याद रखना कि बृहत संहिता को लिखा किसने या कंपाइल किसने किया है, तो वराहमिहिर ने, ठीक है। अब मौर्य डायनेस्टी का एक क्वेश्चन देखेंगे। अशोक अपॉइंटेड डैश टू सॉल्व द सोशल प्रॉब्लम्स इन हिज रीजन। इसका आंसर है धम्म महामत्ता। ये भी क्लास 6 की एनसीईआरटी से ही पूछा हुआ है, कैसे क्या पूछा है वो मैंने बताया उस वीडियो में। गुप्ता डायनेस्टी के 3 क्वेश्चन देखते हैं। समुद्रगुप्ता मदर बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग गणा। इसका आंसर है लिच्छवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। The iron pillar situated at Mehrauli, Delhi is belong to which of the following Gupta ruler? अब देखो, यहाँ पे is belong to नहीं होगा, ठीक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है ना, belongs to होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, इसका आंसर क्या होगा? आयरन पिलर जो है ये आपको वैसे भी पता होना चाहिए, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो आयरन पिलर मेहरौली का, इसमें कौन से गुप्ता रूलर के बारे में लिखा हुआ है? तो चंद्रगुप्त सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। Which of the following offices was not held by the poet Harishen? अब देखो, ये भी क्लास 6 की एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाया हुआ है, तो इसका आंसर होगा नगर श्रेष्ठी, ठीक है, मतलब ये पोस्ट इन्होंने हेल्ड नहीं किया था, बाकी तीनों पोस्ट हेल्ड किया था, ठीक है। अब देखो, ये याद रखना कि हरिसेन किसके कोर्ट पोएट थे, किसके दरबार में कवि थे, तो ये समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट थे, ठीक है। ये आगे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब बाकी डायनेस्टीज के 5 क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग किंग हर्षवर्धन। तो इनमें से कौन सा हर्षवर्धन के बारे में सही नहीं है? तो हर्षवर्धन से एक आध क्वेश्चन तो हमेशा पूछ लेता है। देखो, हो सकता है बाकी चीजें आपको ना पता हो, लेकिन आपको इतना तो पता होगा कि जो तीसरा ऑप्शन है, हर्षवर्धन के जो कोर्ट पोएट है वो कौन थे? वो हरिसेन नहीं थे, हरिसेन तो समुद्रगुप्त के थे। तो हर्षवर्धन का कोर्ट पोएट कौन था? बाणभट्ट थे ना, बाणभट्ट। ये चीज मैं पहले की वीडियोस में बता चुका हूँ, ठीक है, बाणभट्ट हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए था। तो यही तीसरा ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बाकी तीनों ऑप्शन सही है। ये सारे स्टेटमेंट्स जो हैं ये कहाँ से उठाए हुए हैं? एनसीईआरटी से, क्लास 6 की एनसीईआरटी से। अब देखो, ये जो जुआन जंग है, ठीक है, जुआन जंग है, एक्चुअल में ह्यूएन सांग है। आपने सबने पढ़ा होगा कि हर्षवर्धन के दरबार में कौन सा चाइनीज पिलग्रिम आया था, मतलब चाइनीज आया था, चाइनीज ट्रेवलर आया था, तो आपने सब ह्यूएन सांग पढ़ा होगा, ठीक है। तो ह्वेन सांग का ही दूसरा नाम जुआन जंग है, तो ये याद रखना, हो सकता है कभी पूछ ले कि ह्वेन सांग का दूसरा नाम क्या है, जुआन जंग, ठीक, ये हिंदी में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग गेव अप हिज ट्रेडिशनल प्रोफेशंस एंड टुक टू आर्म्स सक्सेसफुली एस्टेब्लिश्ड किंगडम इन कर्नाटका। तो पूछ रहा है कि किसने अपना प्रोफेशन त्याग के हथियार उठा लिया और कर्नाटक में एक साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है। तो इसका आंसर है कदम मयूर शर्मन, ठीक है। एक्चुअल में ये पहले क्या थे? पहले ये ब्राह्मण थे, तो इन्होंने अपना जो ब्राह्मण का काम था वो सब त्याग दिया, हथियार उठा लिया और कर्नाटक में कदम्ब डायनेस्टी, ठीक है, डायनेस्टी का नाम क्या है? कदम्ब वंश, कदम्ब डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट किया, स्थापना की, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following was the founder of the Kanva dynasty? तो इसका आंसर है वसुदेव, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statement is correct with respect to the Shaka dynasty? तो पहला स्टेटमेंट है सम किंगडम्स ऑफ शाकाज लास्टेड फॉर अबाउट 500 ईयर्स, मतलब शाका की कुछ राज्य जो थे, जो किंगडम्स थी, वो 500 सालों तक चली। शाकाज वेयर फॉलोड बाई कुशंस अबाउट 2200 ईयर्स अगो। तो शाकास के बाद कुशंस आए
2200 सालों बाद। तो एक्चुअली ये दोनों स्टेटमेंट एनसीईआरटी से ही उठाए हैं, क्लास 6 की एनसीईआरटी की हिस्ट्री बुक से। तो वहां पे 2200 की जगह क्या लिखा है, 2000 लिखा है। तो इतना माइन्यूट से चेंज करके इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। तो केवल पहला स्टेटमेंट सही है, ओनली फर्स्ट, ठीक। ये हिंदी में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डायनेस्टी रूल्ड रीजन इज करेक्टली मैच्ड। तो शाकाज ने नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ इंडिया में राज किया, और वकाटकाज ने सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया। तो ये दोनों चीजें सही हैं। इसका आंसर हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। ये हिंदी में है। फॉरेन ट्रेवलर्स और राइटर्स के दो क्वेश्चन देखते हैं। फॉक्स जियान बिगेन हिज जर्नी बैक होम फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। अब ये जो फाग्जियान है, फाग्जियान ये असल में फाहियान है, ठीक है। फाहियान का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो फाग्जियान का दूसरा नाम क्या है, फाहियान। तो फाहियान किसके दरबार में आए थे, चंद्रगुप्त सेकंड के, ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड। तो चलो ये तो पता चल गया कि फाहियान है ये, लेकिन ये बहुत ही बेकार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फाहियान ने अपनी जर्नी, अब मतलब जब घर वो वापस जा रहे थे, कौन से स्टेट से, कौन से इंडियन स्टेट से अपने घर जाने की जर्नी शुरू की, ठीक है। तो इसका आंसर है बंगाल, ठीक है। अब देखो ये भी एनसीईआरटी, जो क्लास 6 की एनसीईआरटी की हिस्ट्री बुक है, उसमें एक बॉक्स में दिया हुआ है, एक स्टोरी दी हुई है फाहियान की, ठीक है, फाग्जियान की। तो बस उसकी जो पहली लाइन है वहीं से ये क्वेश्चन उठा लिया इन्होंने, ठीक है। फाग्जियान इज ऑल्सो नोन एज फाहियान, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। अगला क्वेश्चन देखो। द चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम जुआन जंग केम टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट अबाउट डैश ईयर्स अगो। कितने साल पहले जुआन जंग आया था। जुआन जंग का दूसरा नाम क्या है, वेन सांग, ठीक है। ये आया था 1400 साल पहले। ये सब क्लास 6 की एनसीईआरटी से उठाया है। अब एक क्वेश्चन महाजनपद का है। इन एंशियंट टाइम्स द एरिया टू द साउथ ऑफ द गंगा वॉज नोन एज डैश। तो डिट्टो क्लास 6 की एनसीईआरटी की लैंग्वेज उठाई है ये, वहीं से क्वेश्चन है सब। आंसर है मगध। मिसलिनियस के तीन क्वेश्चन देखते हैं। मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स फर्स्ट ब्रॉट द टीचिंग्स ऑफ द होली कुरान टू इंडिया इन द डैश सेंचुरी। देखो ये क्वेश्चन शायद पहले भी पूछा है कि मतलब इस्लाम इंडिया में पहली बार कब आया था, कौन सी सेंचुरी में आया था। तो इसका आंसर है 7th सेंचुरी। क्वेश्चन देखो ये भी पूछ सकता है कि पहली बार इस्लाम को या कुरान की टीचिंग्स को इंडिया में कौन लाया। तो आंसर क्या हो जाएगा, मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स, ठीक है। देखो बाद में जब मुस्लिम अटैक्स वगैरह हुए थे या मुस्लिम रूल इस्टेब्लिश हो गया था, तब तो बड़े लेवल पे हुआ था, लेकिन पहले छोटे लेवल पे जो ये व्यापारी वगैरह होते थे, मर्चेंट्स होते थे, या फिर जो इंडिया में आके बस गए माइग्रेंट्स थे, ठीक है, तो वो लोग थोड़ा बहुत करते होंगे। तो बस स्टार्ट तो उन्होंने किया है ना, तो 7th सेंचुरी में हुआ। और किसने किया, तो 7th सेंचुरी में हुआ, और किया किसने, मर्चेंट्स और माइग्रेंट्स ने। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेक्निक्स ऑफ मेकिंग सिल्क वर फर्स्ट इन्वेंटेड इन चाइना अराउंड डैश ईयर्स अगो। चाइना में जो रेशम बनाने की तकनीक है वो कितने साल पहले इन्वेंट हुई, 7000 साल पहले, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। एन अर्ली टेम्पल एट भीतरगांव उत्तर प्रदेश वॉज बिल्ट अबाउट 1500 ईयर्स अगो वॉज मेड ऑफ डैश। उत्तर प्रदेश में एक मंदिर है काफी पुराना, जो कि भीतरगांव में है, वो 1500 साल पहले बनाया था। तो किस चीज का बना हुआ है। पहला ऑप्शन है लकड़ी का, कच्ची ईंट का, मड ब्रिक मतलब कच्ची ईंट, ठीक है, क्ले एंड थैच मतलब चिकनी मिट्टी, या फूस नहीं यहाँ पे छप्पर कर लो, मतलब मिट्टी का बना हुआ ऊपर छप्पर है, ठीक है, मिट्टी और छप्पर का। दूसरा बेक्ड ब्रिक यानी पकी हुई ईंट का। सिंपल सी बात है, अगर कोई मंदिर अभी तक है, उसके अवशेष अभी भी मिल रहे हैं, 15000 साल हो गए, सिंपल सी बात, वो पक्की ईंट का ही बनेगा ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा पक्की ईंट। अभी क्लास 6 की एनसीईआरटी में एक फोटो दी हुई थी, मतलब मंदिर की फोटो दी हुई है, और ये जो ये दिया हुआ क्वेश्चन, ये उस फोटो में डिस्क्रिप्शन था, ठीक है, उस फोटो को डिस्क्राइब किया हुआ था, तो वहां से इन्होंने क्वेश्चन ये उठा लिया, ठीक है। तो बस इतने क्वेश्चन पूछे गए थे। पीडीएफ और बाकी अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर लिंक काम नहीं करता है तो आप टेलीग्राम पे सर्च करिए एसएससी मसाला, आपको चैनल मिल जाएगा। बाकी वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।